हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पब्लिक स्कूल के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज नॉन फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रखा गया है जो पीजीटी है, पीजीटी पोस्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट आता है टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस को रखा गया है। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स रखा गया है, इंक्लूडिंग डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनकी नीड के हिसाब से उनको आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। देन आता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर केपेबल टू टीच डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन होते हैं उनको टीच करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। देन फीमेल कैंडिडेट्स की नीड है फॉर काउंसलर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट के लिए टेट का यहाँ पे रखा गया है, अदरवाइज पीजीटी के लिए टेट क्वालिफाई नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलरी, सीपीएफ एंड ग्रेच्युटी, जो भी आप बोले सभी यहाँ पे सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। फॉलो करते हैं स्कूल रूल्स एंड सेवेंथ पे कमीशन, तो अगर ये फॉलो करते हैं तो फिर अबव 50,000 आपका सैलरी होना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए वेबसाइट पर, जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से फिल कीजिए। देन जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, सभी टेस्टिमोनियल्स की जो फोटो कॉपीज है उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है विद इन 15 डेज, ठीक है। एंड यहाँ पे करने के लिए आपको डीडी करना है, डिमांड ड्राफ्ट करना है 250 रुपीज का, इन फेवर ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है डीपीएस जोधपुर, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, तो डीपीएस जोधपुर के फेवर में आपको 250 रुपीज डीडी करना है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर ईमेल आईडी है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही सारे जो कॉन्टेक्ट होगा वो ईमेल के थ्रू ही किया जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए एक बार दिखा देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, क्लिक जब जब आप डाउनलोड क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लेना है। यहाँ पे आपका रिसेंट जो फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है विद लाइट बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको फोटो कॉपी निकालवाना है, ठीक है। तो लाइट बैकग्राउंड मतलब आपको रखना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे आपका जितने भी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिमांड किया गया है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सभी आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल डिटेल्स देना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एड्रेस वगैरह। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स, ओके। उसके बाद सैलरी, अगर आप एम्प्लॉई है, करंट एम्प्लॉई है, तो आपको आपका कितना सैलरी एंड क्या मिलता है वो यहाँ पे देना होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हर एक पोस्ट के लिए चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आजकल सभी के पास होता भी है एंड हर कोई पोस्ट के लिए नीड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है कौन से, किस पे आपका मतलब नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। लैंग्वेज में आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सारे यहाँ पे फिल करके देन आपको सेंड कर देना है, जो मैंने दिखाया डीपीएस जोधपुर के मतलब डीपीएस जोधपुर के वहां पे आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे देखिए पिन कोड वगैरह दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है एड्रेस को अच्छे से आपको कॉपी करना है एंड देन एनवेलप के ऊपर लिखना है, एंड एनवेलप के ऊपर ये भी लिखना है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। बहुत शॉर्ट नोटिस है बट बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप होम पेज देखना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हैं, तो ये रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये जो फ्लाइंग नोटिफिकेशन है, इसमें आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट करके आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है।
तो मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं हर दिन अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।